हमने तो फिलहाल सिर्फ सलमान भाई की थोड़ी होस्टिंग देखी है व्हिच वाज फैंटास्टिक. Yeah, again, I saw only Salman sir hosting, and I saw a little bit of Ayushman and Vicky, and I had a blast because they have an amazing sense of humor. So it was nice. बहुत बहुत excited है. बहुत बहुत ही ज़्यादा excited है. नया साल है 2019, तो हमें we're praying that Notebook entertains y'all and we're liked by everybody. फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है लेकिन बन जाएंगे. सेम है एक्चुअली, आई हैव नो प्लान्स. आई थिंक आई जस्ट बी परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स, चिलिंग. नो नो बिग पार्टी, नो गोवा सीन, नथिंग. वेरी होम टाइम. थैंक यू सो मच. I'm very excited. I'm waiting to see who is. I think it has all the self-made women on it, and who've paved the way for women like me to come into the industry and well make it. Thank you. Arre Arpita, come. अरे दे वांट यू टू कम. ओके या जी. बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो इस शो को मैंने बचपन में बहुत बार देखा है, तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है परफॉर्म करने की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ. नहीं, उन्होंने फिल्म के बाद मुझे टिप्स देना बंद कर दिया. नहीं नहीं,
मैंने को काफ़ी असिस्ट किया है, तो जब मैंने असिस्टेंट था तो मैंने काफ़ी उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है दबंग में या किसी में, तो वो सारी चीज़ें मैं अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जी। नहीं सर, अभी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ। एक नया लुक दिख रहा है तो जी, जी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट लुक्स ट्राई कर रहा हूँ, क्या क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा है। आप बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक यू जी जी जी। पिछले कई सालों से आप तो जानते हैं उनका बर्थडे फार्म पे ही होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई सरप्राइज़ है ही नहीं, सब लोग सब फार्म पे ही मिल रहे हैं, वहीं पर ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उनका। जी जी, मेरे लिए 2018 हैज़ बिन अ वेरी गुड ईयर। आई हैव गॉट अ फिल्म, फिल्म मेरी रिलीज़ हुई, इतना सारा प्यार मिला मुझे, पहली बार एक प्लेटफॉर्म मिला अपना काम दिखाने का, और इसके चलते अब मुझे और काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर। पहली फिल्म हमेशा स्पेशल होती है, तो मेरे लिए 2018 तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जी जी जी, जी कपल ऑफ फिल्म्स हैं, काफ़ी चीज़ों में काम चल रहा है, बट अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। गिव मी सम टाइम एंड देयर विल बी एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर श्योर। न्यू ईयर आई थिंक इस साल मैंने ज़्यादा अपनी वाइफ और सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो उनको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ एक हॉलीडे पे, और मैं अपने बेट जी अभी पेरिस और स्विट्जरलैंड कोशिश प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है। आई जस्ट वांट टेक माय सन आउट एंड मेक हिम डू सम स्नोबोर्डिंग और समथिंग। जी जी, टू ऑल द ऑडियंस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैव एन अमेजिंग टाइम, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, गॉड ब्लेस, एंड आई होप 2019 इज अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर यू एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अभी बाइट चाहिए पक्का।
right now, right side. जी जी परफॉर्म कर रही हूँ और बाकी सारे परफॉर्मेंस को भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. नोरा का परफॉर्मेंस हो गया, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दैट. शी इज सच एन अमेजिंग डांसर, बट होपफुली आई वोंट मिस द रेस्ट ऑफ देम. सो आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स इन देयर. साथ ही आपका रिसेंटली जो गाना आया, लोगों ने बहुत पसंद किया. जी देखिए, मुझे वो सब समझ में नहीं आता. मुझे आई लव डांसिंग और मुझे जब पता चला कि ऐसा एक सॉन्ग है एंड गली गली है ऑन टॉप ऑफ दैट, सो आई रियली लाइक द सॉन्ग. एंड रितेश सिद्वानी इज फ्रॉम एक्सेल एंड माय फर्स्ट मूवी इज़ विद देम, सो इज़ वेरी एक्साइटेड. इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन हाउस, तो मुझे पता था कि वो लोग अच्छे से बनाएंगे. हाँ, थोड़ी बहुत अगर मुझे रिहर्सल मिल जाती तो मुझे खुशी होती, बट बहुत लास्ट मिनट सब कुछ शूट किया हमने. कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. जी जी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है वो शूट. आई थिंक अ वीक ऑफ इट इज़ लेफ्ट. इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई थिंक आई हैव लर्न्ड सो मच इन दिस फिल्म. राजकुमार इज़ अ ट्रिमेंडस एक्टर, सो एवरी सीन. एंड निखिल इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर फॉर रॉन्ग साइड राजू. सो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. थैंक यू. जी इस साल आप मिसिंग नहीं है क्या? अभी खत्म होने वाला. मैं नागिन थोड़ी ना कर रही हूँ अभी. उस वक्त मैं नागिन कर रही थी. आई स्टिल एम अ पार्ट ऑफ कलर्स टीवी. आई वुड वांट टू थिंक दैट बिकॉज इट विल ऑलवेज बी माय फैमिली. कलर्स इज गिवन मी माय बिगेस्ट शो. बट अभी मैं नहीं हूँ ना. अभी अदर पीपल आर प्लेइंग नागिन, सो देन दे आर गोइंग टू बिग बॉस एंड आई डोंट गेट टू गो. इस साल मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, बट केवी हैज़ बीन माई कोस्टार, सो आई होप ही विंस. ये ना, आपने लास्ट टाइम भी आपने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा था किसी अवार्ड फंक्शन पे लास्ट ईयर. मुझे आपकी आपका फेस भी याद है और मुझे ये क्वेश्चन भी याद है. और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेजोल्यूशन वाला. तो नहीं, इस साल इतनी कोई प्लानिंग है नहीं. इट विल बी, मैं लास्ट मिनट तक काम ही कर रही हूँ एंड होपफुली इट विल बी अ स्मॉल समथिंग विद फ्रेंड्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर. मे यू ऑलवेज बी हेल्दी हैप्पी एंड बी गुड, बी अ गुड पर्सन एंड एंड हेल्प अदर्स. थैंक यू. सर, यहाँ पे मार गया था.
मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ जो लोग भी नॉमिनेटेड हैं और जो डिज़र्व करता है उसे मिले, मेरी विशेष है उनके साथ। हाँ, ये मेरे फ्रेंड हैं कशिश, ये उन्होंने डिज़ाइन किया है NM स्टूडियो। हाँ बिल्कुल, आधार है जो नए साल में शुरू होगी, और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जिसकी शूट हो चुकी है, और कुछ नेटफ्लिक्स का है जिसे मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, और कुछ और फिल्में हैं, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।